है नामांकन वापस लेने के लिए नहीं पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर नहीं पहुंचे नामांकन वापस लेने। कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन देने के लिए कहा था। बांसवाड़ा सीट पर अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला। लोकसभा चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी नहीं पहुंचे कलेक्टर के समक्ष। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर नहीं पहुंचे नामांकन वापस लेने। तो आकाश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। आकाश, देखिए, जब बीएपी से को समर्थन देने की बात कांग्रेस ने कर दी है, तो प्रत्याशी नामांकन लेने वापस नहीं पहुंचे, इसके पीछे की क्या वजह है? जी, बताना चाहेंगे कि जो कांग्रेस द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की बात कही थी, जिसमें यहाँ पर युवा चेहरा कांग्रेस प्रत्याशी उतारा थे, जिसको लेकर यहाँ युवाओं में कहीं जोश था। वहीं साथ ही में डूंगरपुर जो जिला है उसमें कांग्रेस द्वारा लगातार किया जा रहा था कि कांग्रेस का उम्मीदवार इस चुनाव पर लड़ेगा, ना किसी को हम गठबंधन करेंगे। साथ ही बांसवाड़ा जिले के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस जिला से, उन्होंने बताया था कि जैसे आलाकमान हमको निर्देश देंगे उस विहार पे हम आगे निर्णय लेंगे। अब देखने वाली बात ये थी कि प्रत्याशी नामांकन वापस लेने नहीं आया है। अब ये विधानसभा सीट पर और साथ ही लोकसभा सीट पे भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा इस बार। तो क्या माने, समर्थन हुआ या नहीं हुआ, हम इसे क्या माने? क्योंकि ऑफिशियली तो एक सैंडल पर डाल दिया गया था प्रभारी रंधावा के द्वारा, अब इसको क्या माने, अभी क्या स्थिति है? स्थिति जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी अगर नहीं यहाँ पहुंचा है, ना ही इन्होंने नामांकन वापस लिया, तो ये उम्मीदवार बैलेट पेपर पे भी रहेगा और साथ ही जो ईवीएम मशीन पे भी इसका नाम सहित और सिंबल रहेगा और ये चुनाव प्रत्याशी के रूप में खड़े रहेंगे पार्टी की ओर से। ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।